हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नीलम्स वेज तड़का। आज मैं बप्पा के भोग के लिए मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मोदक मैंने बिना स्टीम किए हुए बनाए हैं, ये स्टफ्ड हैं और ये बनाने के लिए मैंने मोल्ड का प्रयोग नहीं किया है, यानी ये बिना सांचे के बने हुए हैं, बिना स्टीम के हैं। यानी रेसिपी आपके लिए बहुत आसान होने वाली है और बप्पा को भी बहुत पसंद आएगी। देखिए, दिख रहा है ना एकदम बढ़िया कैसे बनाना है ये मोदक। आइए देखते हैं। चावल के आटे के मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम की है। इसमें मैं एक कटोरी चावल का आटा ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी कप से भी माप सकते हैं। इसको अच्छे से भूनना है। चावल का आटा बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप घर पर भी बना सकते हैं। चावल का आटा बनाने के लिए आपको चावल को भिगो के रखना है 2-3 घंटे के लिए। इसके बाद उसका सारा पानी निकाल के आप उसे फैन के नीचे सुखा सकते हैं और फिर ग्राइंड कर लीजिए। आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा। तो हमारा आटा भुनना शुरू हो गया, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब तक आपको इस आटे को भूनना है। ध्यान रखना है गैस को स्लो ही रखना है, जिससे आपका आटा जले नहीं। तो थोड़ी देर चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। आटा भून के तैयार हो गया है, तो अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। जिस कटोरी से मैंने चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी से मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। अगर आप कप से माप रहे हैं तो आपको 2 कप दूध लेना है एक कटोरी चावल के आटे के लिए। इसे मैं मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कोकोनट। ये डेसिकेटेड कोकोनट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली जो हम लोग ड्राई कोकोनट लेके आते हैं उसे ग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो मैं इसे अब ग्राइंड कर ले रही हूँ, जिससे जो दूध का टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। देखिए एकदम बढ़िया रेडी हो गया, जिससे हमारे मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो मैंने वापस से कढ़ाई गर्म की है और सारा दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। पहले उबाल आने तक पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैंने उसी कटोरी से ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी घुलने तक आपको वापस पकाना है। तो चीनी लगभग घुल चुकी है। हमारे मोदक में बढ़िया शाइन लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो घी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने डालना है चावल का आटा, जो हमने पहले से रोस्ट करके रखा हुआ था। चावल के आटा डालने के टाइम पे आप गैस बंद कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं चावल का आटा इसमें डाल रही हूँ और लगातार चलाते रहना है, जिससे उसमें गुठलियाँ ना पड़े। गैस को एकदम धीमा रखना है। मैंने पूरे आटे को डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं है। इसको लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए पैन छोड़ना शुरू हो गया है हमारा मिक्सर। तो हमारा मिक्सर अभी रेडी हो गया है। चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा मिक्सर हाथ पे लेना है और उसे बॉल बना के देखनी है। अगर वो हाथ पे नहीं चिपकता है तो मतलब आपका मिक्सर पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो मैं इसे अब अलग निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। ढक के रखेंगे, क्योंकि चावल का आटा है तो वो ड्राई हो जाएगा। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, एक जार में डाल लेती हूँ और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कोकोनट। इसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जैगरी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी डालने के बाद में ग्राइंड कर लेंगे, जिससे ये एकदम मिक्स हो जाए पूरी तरह से। तो हमारी बढ़िया सी स्टफिंग तैयार हो गई है। देखिए पूरी तरह से मिक्स हो चुका है ये। तो इसे भी मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। ग्राइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच दूध। आप दूध या घी दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। तो इसमें दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। अगर आपको थोड़ा ये ड्राई लगे मिक्सचर, तो आप इसमें वापस से थोड़ा दूध या घी डाल सकते हैं।
तो हमारा मिक्सर रेडी हो गया है, बाइंडिंग भी आ गई है। तो अब मैं इसकी बना रही हूँ छोटी छोटी सी बॉल्स, जिससे हमें मोदक में स्टफिंग करने में आसानी होगी। तो मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेती हूँ। रोल करते हुए देखिए छोटा सा साइज बनाना है ऐसा। तो बॉल्स हमारी रेडी हो गई हैं और अब हम बनाएंगे मोदक। हमारा मिक्सर भी थोड़ा ठंडा हो गया है, पूरा ठंडा आपको नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं थोड़ा सा आटा लेकर। तो मैं इसकी एक बॉल्स बना ले रही हूँ, थोड़ा सा उसको हाथ से दबाना है और इसके बाद बॉल लेनी है और उसको बीच में स्टफ कर देना है। देखिए बॉल रखा बीच में और वापस से इसको फोल्ड कर देंगे। इसे लड्डू की तरह तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसे थोड़ा सा ऊपर से दबाते हुए मोदक का शेप देंगे। देखिए तैयार हो गया है। तो डिजाइन बनाने के लिए हमें एक टूथपिक लेनी है और उससे लाइन बनानी है। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप बॉल बनाने के बाद मोल्ड में डाल सकते हैं। देखिए मोदक हमारा तैयार हो गया है, दिख रहा है ना एकदम बढ़िया। मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। तो हमें एक थोड़ा सा बॉल साइज आटा लेना है, इसके बाद उसको हाथ से दबाएंगे, उसमें स्टफिंग वाली बॉल रखेंगे, उसको फोल्ड करते हुए पूरा बंद कर देंगे, रोल करेंगे, से मोदक का शेप देंगे और वापस उसमें डिज़ाइन बनाएंगे। है ना आसान? तो वापस मैं इसमें डिज़ाइन बना देती हूँ। मोदक तो हमारा तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से आपको बाकी सारे मोदक तैयार कर लेने हैं। तो सारे मोदक मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं। देखिए दिख रहे हैं ना एकदम बढ़िया। तो पप्पा भी खुश और आप भी खुश। मोदक बहुत टेस्टी हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।